हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा दें। प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं न्यूट्रिक एंड अल्टाई वीडियो चैनल। दोस्तों, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में हम थंबनेल में देखा ही है कि हम दोस्तों बात करने वाले हैं आँखों को मोबाइल की लाइट से कैसे बचाएँ और मोबाइल की जो लाइट होती है दोस्तों, ब्राइटनेस होती है, उससे हमारी आँखों पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, तो दोस्तों हम इसी बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चले जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग में। सेटिंग पर जाने के बाद देखिए दोस्तों, आप इस प्रकार से देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हमारी ब्राइटनेस होती है। अगर दोस्तों हम ऑटो भी करते हैं, रात में हम अपना मोबाइल चलाते हैं दोस्तों, तो उससे जो हमारी ब्लू लाइट निकलती है दोस्तों, जो वाइट थीम होते हैं हमारे मोबाइल में, ब्लू लाइट निकलती है, तो दोस्तों वो ब्लू लाइट हमारी आँखों पर पड़ती है। आँखों पर पड़ने के बाद दोस्तों क्या होता है, अगर हमें बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाने की आदत है दोस्तों, हम अपने मोबाइल का यूज करते हैं बहुत अधिक, तो दोस्तों क्या होता है, उससे हमारी आँखों पे वो एक ऐसी लाइट निकलती है, ब्लू लाइट होती है दोस्तों, वो निकलती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों, हमारी जो आँखों की नींद होती है दोस्तों, वो हमारी नींद आने की जो क्षमता होती है दोस्तों, उसको धीरे धीरे कम कर देती है। और जो भी अधिक मोबाइल चलाने वाले व्यक्ति होते हैं, आपने देखा होगा कि रात और रात मोबाइल चलाते हैं, उनको बहुत कम नींद आती है दोस्तों। तो आप अपने कलर जरूर एडजस्ट करके रखिए। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आ रहा है डिस्प्ले कलर बैलेंस, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट मोड आ रहा है दोस्तों। अब अगर हम कस्टमाइज, यहाँ पर देखिए कंफर्ट मोड, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ अंतर आ जाता है कलर में हमारे। तो इन दोस्तों इस जो ये जो होता है, जो डिफ़ॉल्ट मोड आता है, तो उससे हमारी आँखों पर बहुत रोशनी पड़ती है। अब दोस्तों अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन में दे रखा है कस्टम मोड, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इस प्रकार की लाइट जो हमारी मेन लाइट होती है, इस प्रकार की होती है दोस्तों, तो हम इसको जो बर्म कॉलर आता है दोस्तों, उस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो लाइट होती है हमारे दोस्तों, आप देखेंगे जब आप अपने फ़ोन में इस प्रकार की लाइट कर लेंगे, देखिए आप हल्का पीला दूध जैसा कलर हो गया है दोस्तों। तो इस प्रकार की लाइट से हमारी आँखों पर बहुत कम लाइट पड़ती है दोस्तों। अब अगर आपके फ़ोन में इस प्रकार की लाइट नहीं करने का सिस्टम है दोस्तों, आप देखिए इस लाइट से और ये जो लाइट करी है, इस लाइट से कितना अंतर आ जाता है आपकी आंखों पर, कितना प्रभाव पड़ेगा। अगर दोस्तों आप फुल ब्राइटनेस करके ही फ़ोन चला रहे हैं, तो इस लाइट से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और इस लाइट से कितना प्रभाव नहीं पड़ता, आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर ऐसा नहीं है दोस्तों, तो आप क्या करिएगा दोस्तों, आप सीधे अपने प्ले स्टोर पर सर्च करिएगा। प्ले स्टोर के सर्च बार में यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्लू ब्लू लाइट फिल्टर, तो ब्लू लाइट फिल्टर आप क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों। और जो सबसे ऊपर का ब्लू लाइट, यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, आप दोस्तों अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप ये जो सबसे ऊपर की ब्लू लाइट फिल्टर लाइट मोड आ रहा है आई केयर, तो देखिए दोस्तों इसका नाम भी आप देख सकते हैं आई केयर है, तो ये आँखों की सुरक्षा करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें इसके जो वॉलपेपर है दोस्तों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इसमें दिखा भी रखा है, इस प्रकार से आपकी आंखों की प्रोटेक्शन देता है इस लाइट से, पेन जो बम कर देता है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इसको सिंपली क्लिक कर देना है और डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शंस आ जाएंगे, हम वेट करते हैं डाउनलोड करने होने तक का इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आपको देखना है दोस्तों, अब मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसी वाले सॉफ्टवेयर को क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा रीज़न। और देखिए दोस्तों इसका आप नाम भी देख सकते हैं, लीव फिटनेस ग्रुप का है दोस्तों। यहाँ पर आपको अब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद दोस्तों आपको इसको स्लाइड करते जाना है। स्लाइड करने के बाद देखिए दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का स्विच का चिन्ह आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन की जो लाइट है इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से होने के बाद दोस्तों आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इसी लाइट को क्यों कहा था, इसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट एट ऑटो टाइमर, तो आप इसमें टाइम भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर दिन में इस प्रकार की लाइट नहीं रखनी है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जाकर अपने यहाँ टाइम को सेट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑन टाइम
10 PM और ऑफ 7 AM। तो आपको देख सकते हैं रात के 10 बजे से ये फंक्शन ओपन हो जाएगा और सुबह के 10 बजे ऑटोमेटिक ऑफ और ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसमें अपना टाइम भी सेट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से। अगर आप 7 बजे से शाम को 6-7 बजे रात हो जाती है दोस्तों, तो उससे हम इसी प्रकार से इस पर टाइम भी सेट कर सकते हैं। ये इसमें आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन मिलने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको किस प्रकार की लाइट रखनी है, मान लीजिए बम नहीं रखनी है, तो यहाँ पर आपको कई प्रकार की लाइट आपको मिल जाती हैं। जिस प्रकार का आप कलर रखना चाहें उस प्रकार का लो कलर रख सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए मैंने इसी लाइट को कहा आपको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों। तो आप इस प्रकार से अपने जो लाइट का डिस्प्ले का कलर है रख सकते हैं, जिससे कि आपकी आँखों पर इफेक्ट ना पड़े। अब दोस्तों आपका ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन बार, अगर ये नोटिफिकेशन बार में शो होता है तो यहाँ से आपको आपको ऑफ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद अगर दोस्तों यहाँ से आप ऑफ़ करना चाहें ऑफ़ कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों बहुत अच्छा ऐप्स है और आपकी आँखों पर आपकी आँखों की जो इसको दोस्तों आई प्रोटेक्टर भी बोलते हैं दोस्तों, कुछ फ़ोन में ऑटोमेटिक आने लग गया है। अब जो है कंपनियाँ फ़ोन में ये दे रही हैं, कुछ फ़ोन में नहीं है। तो दोस्तों आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छा ऐप्स है, आपकी आँखों की जो है प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों ये। तो आज के अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।